मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस नेता जीतू पटवारी बेंगलुरु के एक होटल में ठहरे बागी विधायकों से मिलने पहुंचे थे। उनके साथ कांग्रेस नेता लाखन सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान वहां सुरक्षा में लगे बेंगलुरु पुलिस के जवान ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके चलते दोनों के बीच में हाथापाई हो गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जीतू पटवारी पुलिसकर्मी से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। यहां सिंधिया समर्थक मंत्रियों विधायकों से मिलने गए कमलनाथ सरकार, दो मंत्रियों जीतू पटवारी और लाखन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। जानकारी के अनुसार बेंगलुरु में मंत्री जीतू पटवारी और लाखन सिंह सिंधिया समर्थकों को मनाने गए थे, लेकिन जिस रिजोर्ट में सिंधिया समर्थक रुके थे वहां पुलिस के साथ उनकी झड़प और तीखी बहस हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा के दबाव में उसके दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि रिजोर्ट में से लगभग 9 से 10 विधायकों को बीजेपी के चंगुल से बाहर निकालने में कमलनाथ के मंत्री जीतू पटवारी और लाखन सिंह कामयाब हो गए थे। आरोप है कि एन वक्त पर भाजपा के दबाव में काम कर रही पुलिस ने तानाशाही करते हुए दोनों मंत्रियों को बंधक बना लिया। इन मंत्री के साथ विधायक मनोज चौधरी के पिता नारायण चौधरी भी थे। चौधरी हाट पिपलिया से कांग्रेस विधायक हैं। कल सिंधिया के समर्थन में उनका वीडियो जारी हुआ था। इससे पहले मध्य प्रदेश में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने 6 और विधायकों को नोटिस जारी किया है। इसे मिलाकर अब तक कुल 13 विधायकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये सभी सिंधिया समर्थक हैं, जो अभी बेंगलुरु में हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने 19 इस्तीफे मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि सारी कार्यवाही नियम और प्रक्रिया के तहत की जा रही है। पक्ष विपक्ष कुछ भी हो, मैं निष्पक्ष हूँ। ये देखना मेरा काम है कि विधायकों ने कहीं किसी के दबाव में तो इस्तीफा नहीं दिया है। राज्य में हो रही है तो नाम ये अद्भुत है। और मैं मानता हूँ कि आप पूरे आदमी का नाम लिखा, आपका नाम क्या? ध्यान देना चाहिए, देश को ध्यान देना चाहिए। उसके पिता को नहीं मिलने जा रहे, मनोज चौधरी के पिता नारायण चौधरी। ये केवल वहाँ बात वो नारियादा बात करके इतने में तो इन्होंने बिल्कुल जैसा ऐसा कर दिया जैसे कोई अपराधी हो, मंत्री जी के साथ में सबके साथ में गलत हरकत करी और बहुत ही घटिया शब्द बोल रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस तरह की तानाशाही पुलिस की बर्दाश्त नहीं होगी। मध्य प्रदेश में नारे विधायकों को या बंद। ऐसी ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.